गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम्स। टुडे इज 5th September एंड 5th September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वॉज अ टीचर फॉर एक्सीलेंस एंड ऑल्सो ही वॉज द सक्सेसफुल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑन दिस डे we salute our great teacher for his great contribution in teaching profession. So dear students, today I am going to teach you how to make the sketch of Dr. Radhakrishnan. So this is the sketch of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. ab is sketch ko banana kaise hai ye aapko sikhate hain. iske liye aapko chahiye ek scale, pencil aur A3 size ki ek sheet. यहाँ देखिए बच्चों, ये ओरिजिनल स्केच है जिसको नेट से डाउनलोड करके यहाँ प्रिंट आउट लिया है, और ये स्केच यहाँ बनाया गया है पेंसिल की सहायता से। इसके लिए आपको किसी प्रकार के रंगों की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ध्यान दें, ये ओरिजिनल स्केच है और ये हाथ से बनाया गया स्केच। दोनों को यदि हम देखते हैं तो लगभग लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। तो बच्चों, किसी स्केच को हूबहू कॉपी करने के लिए क्या करते हैं ये आज हम आपको सिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, स्केच को ध्यान से देखिए। किसी भी स्केच को यदि हमें हूबहू कॉपी करना है तो इसके लिए हम उस स्केच को बॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इस स्केच को हमने बॉक्स में डिवाइड किया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको बॉक्स नज़र आएंगे इस पूरे स्केच के ऊपर। देखते हैं किस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। खानों को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 इस तरफ से। और यदि हम इस तरफ से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी इस तरफ से 5 और इस तरफ से 7। और इस तरह से हमने पूरे इस पिक्चर को छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड, खानों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक A3 साइज़ की शीट लेनी है और 5 खाने इस तरफ से बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरफ से 7, जैसे कि हमने ओरिजिनल पिक्चर में देखा था। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूरी तरह से इस शीट को बना लेंगे, खाने बना लेंगे, तब आप ओरिजिनल पिक्चर पे जाएंगे और पहले खाने को देखेंगे। इसमें आपने देखना क्या है बच्चों, कि पहले खाने के अंदर जितना इस पिक्चर का पार्ट बन रहा है उतना पार्ट आप जिस शीट के ऊपर बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले खाने में यहाँ कुछ नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। दूसरे खाने में देखिए, इस पिक्चर का ये इतना पार्ट इस खाने के अंदर आ, तो आप इस बॉक्स के अंदर जो कि सेकंड नंबर पे है इतना ही पार्ट इस पिक्चर का बनाएंगे, कुछ इस तरह से। नाउ कम टू द सेकंड। सेकंड में ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना हिस्सा सेकंड बॉक्स में बना हुआ है, तो इतना ही हिस्सा इस पिक्चर का इस सेकंड बॉक्स में बनाना है। अब नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट के अंदर ये इतना हिस्सा, तो तीसरे के अंदर हमने ये इतना ही हिस्सा यहाँ ड्रॉ किया है। और इस तरह से जब आप एक एक खाने को भरते चले जाएंगे, ये देखिए जिस खाने में जितना बना हुआ है, इसी प्रकार से जब आप ये सारे के सारे खाने, ये सारे बॉक्स भर लेंगे तो आपके सामने ऐसी ही पिक्चर आ जाएगी जैसी आपकी ओरिजिनल स्केच में है। यहाँ देखिए, है ना बिल्कुल वैसी। तो चलिए, अब इस पिक्चर में हमें करनी है शेडिंग।
तो शेडिंग किस प्रकार से करते हैं ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पहले ध्यान दें, ये इसकी आईब्रोज डार्क हैं, तो हमें इसको डार्क करना है। कैसे करेंगे, पेंसिल थोड़ा स्मूथली चलानी है आपको, ऐसे ही यहाँ, इस प्रकार से। और इसके बाद इसकी आईज को डार्क करते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। जब इसकी शेडिंग आप कर लेंगे तो इसमें हमें आउटलाइन भी करनी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो डार्क है ये सारी आउटलाइन डार्क की गई हैं, तो इसकी आउटलाइन करनी है हमें। तो इस प्रकार से करेंगे, पेंसिल को थोड़ा गहरा चलाएंगे, ये बन गई है इनकी टर्बन। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा पूरा स्केच डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद हमें जब आप शेडिंग करेंगे, ये शेडिंग अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास कॉटन नहीं है, इसमें कॉटन का भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने रैंडमली यहाँ इसको शेड किया है, फ्री हैंड से बिल्कुल ऐसे ही शेडिंग करनी है आपको बिना घबराए हुए। और बाद में कॉटन ले करके, कॉटन का एक पीस लेना है आपको, और जहाँ जहाँ लाइट करना है, जहाँ जहाँ डार्क करना है, आप कॉटन की मदद से कर सकते हैं। और जब आप कॉटन इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो देखिए, ये जो ओरिजिनल स्केच है इसमें देखिए कहीं लाइट कहीं डार्क आप देख पा रहे हैं, तो ये कॉटन से पॉसिबल होगा। जहाँ जहाँ लाइट करना है वहाँ वहाँ आप कॉटन से लाइट कर देंगे, और जहाँ जहाँ डार्क छोड़ना है वहाँ आप पेंसिल से डार्क कर देंगे या कॉटन को लाइट वहाँ चलाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये बन गए हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। आ गया समझ में सभी को, गुड। अब बनाना है इसको घर में सभी ने, ठीक है ना।